वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप लोग में से जो है मतलब कुछ ने क्वेश्चन किया था, कमेंट्स आया था कि हमारा जो इमो का जो कैमरा है, इमो रेंजर 2C, तो उसका जो जूमिंग पावर है, जूमिंग कितना होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा ये इमो का कैमरा लगा हुआ है, इमो रेंजर 2C। तो आज जो है हम इसका जो मतलब जूमिंग पावर है उसके बारे में हम बात करेंगे, और हम टेस्ट करते हैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। हम जो है उस तरफ फोकस करेंगे, उस तीनाली पे जो है हम फोकस करेंगे अपना कैमरा, और देखेंगे कि इस कैमरा से जो व्यू है वहाँ तक का कितना अच्छा आने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो में, तो हम लोग जो है अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर जो है हमारा कैमरा, ये है इमो रेंजर 2C। ये जो कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का है, और इसमें जो है AI ह्यूमन डिटेक्शन लगा हुआ है, जिसकी मदद से जो है ये पूरा कम्प्लीटली ट्रैक करते रहता है, ऑटोमेटिकली ट्रैक करके जो है पूरा एक्टिविटीज़ बताते रहता है हमें। और आज जो है हम इसका जो जूमिंग पावर है, इसका कितना कैपेसिटी है, कहाँ तक जो है ये जूम कर सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से जो है हम इस कैमरा से जूम करेंगे, वो जो हमारा पोस्ट है जहाँ वो कार खड़ा है वहाँ तक जो हम जूमिंग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का जो है इसका जूमिंग पावर है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग अपने मोबाइल में खोल लेंगे इमो लाइफ, जो कि ये इमो रेंजर वाला कैमरा का सॉफ्टवेयर है। अपने प्ले स्टोर में जो है ये मिल जाएगा इमो लाइफ, तो हमारा तो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो अभी जो है हम इमो लाइफ में, इसमें जो है हमारा 4 कैमरा लगा हुआ है जो कि सब सेम मॉडल का है, लेकिन अभी जो है हम लोग ये वाला को व्यू करेंगे जो हमारा फ्रंट डोर है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग का कैमरा जो है ऑन हो चुका है, और ये कुछ अपडेट मांग रहा है, बट हम लोग इसे जो है बाद में कर देंगे लेटर। तो इसमें जो है हम लोग लेटर दबा दिए हैं, और अभी जो है हम इसे बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां से आप देख सकते हैं कि कैमरा जो है काफ़ी क्लियरिटी है और काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है, लेकिन हम जो है उस कार तक जो है यहाँ से जो है लगभग वो हमारा 40 मीटर का डिस्टेंस होगा, हम जो है वहाँ तक जो है इसे जूम करने वाले हैं और देखते हैं कि इसका क्या क्लियरिटी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जूमिंग पावर तो सही है, मतलब जूम हो जा रहा है, लेकिन इसका जो क्लियरिटी है मतलब वो फट जा रहा है। ऐसे फ्रेंड्स नॉर्मली जब हम इससे इस कैमरा को यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली में जो है आप देख सकते हैं ये जो है काफ़ी बढ़िया है, व्यूज़ आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग मेन स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं मतलब इसका जो मतलब अपना कैमरा का जो सेटिंग्स है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग का 1080p में चल रहा है, यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं 480p में अगर हम चलाएंगे तो उस समय में जो है हमारा अगर नेटवर्क स्लो भी रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 68-71 kbps, अगर ये स्लो भी रहता है 30-32 तभी भी जो है हमारा कैमरा चलेगा अगर 480p में हम चलाते हैं तो। और ये है फुल हाई डेफिनेशन 1080p, इसमें जो है हल्का सा जो है ट्रैकिंग करता है जब हमारा नेटवर्क स्लो रहता है। सो फ्रेंड्स आप जो है इसे 3 मोड में यूज़ कर सकता है, एक है 480, एक है 720 और एक है 1080p। साइड में जो है आपको सेटिंग्स मिल जाता है, सो इधर से जो है फ्रेंड्स ये सेटिंग्स में जाकर आप जो है सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिवाइस प्रीव, नोटिफिकेशन, डिटेक्शन, अलर्ट टोन, ऑडियो, AI डिटेक्शन, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपके पास लोकल स्टोरेज इनेबल नहीं है तो।